हनुमान, कुंभ के पटल तो बंद होने को है। गौ, हमें शीघ्रता करनी होगी, मुझे कसकर पकड़ लो। अब तो गौ को लेकर मैं निकल ही नहीं पाऊंगा यहाँ से। सेनापति जी, यही वो क्षेत्र है जहाँ से राक्षसों ने प्रवेश किया था। वो पुनः ऐसा प्रयास करें उससे पूर्व हमें अपनी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। किंतु महाराज, वो राक्षस मायावी हैं, कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, ऐसे शांत नहीं बैठेंगे वो। उसका एक ही उपाय है, दिन से लेकर रात्रि तक आठों पहर सजग रहकर हमें अपनी चौकसी बढ़ा देनी चाहिए। जैसे ही आभास हो कोई राक्षस आया है या आने का प्रयास कर रहा है, सीधा प्रहार, ना कोई चेतावनी ना कोई ललकार, सीधा वार। ऐसा ही होगा महाराज। महाराज, महाराज, प्रणाम महाराज। सदाव्रत जी, आप? क्या हुआ? महाराज, महारानी अंजना अनिमेष जैसा कठोर व्रत कर रही हैं। वो सूर्य को अपलक देखे जा रही हैं। ओम सूर्याय नमः। उनके नेत्रों की ज्योति जा सकती है महाराज। किंतु अभी उन्हें ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, सूर्यलोक में युवराज हनुमान परीक्षा दे रहे हैं, उन पर घोर संकट आने की संभावना है, उन्हीं को बचाने के लिए वो ये व्रत कर रही हैं। अंजना के नेत्र जा सकते हैं, हनुमान भी संकट में है। चलो निकलने का प्रयास करते हैं। हनुमान, ये तुम्हारा ध्वज संभालो। हनुमान, अब इस कुंभ का मुख जितना खुला रह गया है उससे हम दोनों साथ नहीं जा सकते। तुम मुझे मेरी दशा पर छोड़ दो और चले जाओ यहाँ से। तुम अभी भी सरलता से जा सकते हो हनुमान। जाओ हनुमान, शीघ्रता करो। गौ, ऐसा पुनः मत कहना। मैं कदापि ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आओ, एक प्रयास और करते हैं। सामने से निकलते हैं। गौ, मेरा सहारा लो। आओ, इस द्वार से निकलते हैं। ऊंचा भित्ति का निर्माण करने लग गया है जो लौ से भी कठोर होती है। हनुमान और गव का निकलना तो और भी कठिन हो जाएगा। अब नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। नाम देव, ये तो बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। हाँ देव ऋषि, ना जाने क्या होगा आगे। यदि हनुमान शीघ्र नहीं निकल पाया कालकुंभ से, तो भविष्य में जो घटित होने वाला है
समस्त देवों ने मिलकर सब कुछ किया, विष्णु देव ने नर अवतार धारण किया, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, मेरे पुत्र के समस्त कष्ट, उस पर आई हुई सारी विपदाएं मुझे दे दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को संकट से मुक्त कर दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए सूर्यदेव। ओम सूर्याय नमः। अब बस करो पुत्री, बस करो, तुम्हारे नेत्र भी लाल हो रहे हैं, अब रोक लो ये व्रत। ओम सूर्याय नमः। अंजना, अंजना, ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र हनुमान को, अन्नमेश व्रत रोक दो अंजना। ऐसा मत करो अंजना, तुम्हारे नेत्रों की ज्योति चली जाएगी, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हनुमान कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएगा। अंजना मान जाओ, अंजना रोक दो ये व्रत, हमारे पुत्र हनुमान को कुछ नहीं होगा अंजना, वो सकुशल लौट आएगा, तुम देखना। स्वामी, मेरे संकल्प को मत बिगाइए, आप भी स्वयं जानते हैं कि व्रत के टूटने का परिणाम विपरीत भी हो सकता है। मान जाओ पुत्री, सूर्य की तीव्र किरणें दृष्टि को सदा के लिए भी मिटा सकती हैं। बस आप सब मुझे क्षमा करें, किंतु मेरे संकल्प में कोई बाधा ना करें। मेरे नेत्र, मेरे प्राण, मेरे पुत्र से ऊपर नहीं है। अब मेरा ये व्रत तभी समाप्त होगा जब मेरे पुत्र पर आया संकट समाप्त होगा। अंजना, प्रिय अंजना। ॐ सूर्याय नमः। शीघ्र बताइए क्या कहती है आपकी ज्योतिष काल गणना। लंकेश, शुभ समाचार है। शुभ समाचार? कर्ण तड़प उठे हैं शुभ समाचार सुनने के लिए, शीघ्र बताइए। लंकेश, यह है लंका का काल स्तंभ, सूर्यलोक के काल स्तंभ और वहां के काल कुंभ अदृश्य तरंगों से जुड़े हुए हैं, जो स्वतः ही एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान करते रहते हैं। ससुर श्री, ये सब छोड़िए, शुभ समाचार सुनाइए, केवल शुभ समाचार। लंकेश, काल स्तंभ की गणना बता रही है कि हनुमान शीघ्र ही काल कुंभ में बंदी होने वाला है, जहां से उसका बच करके निकलना अब लगभग असंभव ही है। जय निकुंभला देवी।
बहुत अच्छे। आह वरुण देव, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे वरुण देव। देवता होकर भी आपने राक्षस्य प्रवृत्ति का कार्य किया है। प्रसन्न कर दिया रावण को, बहुत अच्छे। परंतु लंकेश, उसके साथ वरुण देव का पुत्र गौ भी है। गौ? गौ की चिंता भला हमें क्यों होने लगी? उसकी चिंता तो उसके पिता श्री करेंगे ना। हम क्यों उसकी चिंता करने लगे? श्वासोर्श्रेय, वरुण देव और गव तो केवल एक माध्यम थे। उस वानर बालक की शिक्षा ना पूर्ण होने का माध्यम। वो मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कंटक था। अब उसके ही मार्ग में मैंने कंटक और कंटक भर दिए। ये रक्षक तो तीव्र गति से भाग रहा है। मुझे पूर्ण एकाग्रता से इसकी गति का आंकलन करते हुए इसे लक्ष्य बनाना होगा। जिसका भय था वही हुआ। अब ये दोनों बाहर नहीं आ सकते, पर हनुमान के पास तो वरदानी शक्तियां भी नहीं है। घोर अनर्थ हो गया है प्रभु। यदि हनुमान इस कालकुंभ से बाहर नहीं आ पाए तो नारायण के अवतार राम का कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो उनके जन्म का प्रायोजन व्यर्थ हो जाएगा। घोर निराशा के अंधकार में आशा की एक छोटी सी किरण भी कभी कभी मार्ग प्रशस्त कर देती है। वो हनुमान है, मन के अंधकार एवं निराशा पर सदा ही विजय पाई है उसने। परंतु कालकुंभ तो बंद हो गया है, और कालकुंभ बंद होने के बाद आज तक उसे कोई खोलकर बाहर नहीं निकल पाया है, तो फिर हनुमान कैसे निकल पाएंगे? हनुमान, अब हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। मेरे कारण अब तुम भी बंद हो गए हो इस कालकुंभ में। गौ, मेरा पुत्र, ना मैं उसका हट मानता, ना आज ये सब कुछ होता। गौ, मेरा पुत्र, मैं आ रहा हूँ। पुत्र, मैं आ रहा हूँ। वरुण देव, संभालिए स्वयं को। वरुण देव, हनुमान संकट मोचक है, वो अवश्य कुछ करेगा। वो तो स्वयं बंदी है, वो क्या कर पाएगा? संभालिए वरुण देव अपने आप को।
गाओ। मेरी माँ कहती है जब तक श्वास है तब तक आस है। हमें अपनी आशा कभी नहीं त्याग करनी चाहिए। हम अवश्य बाहर निकलेंगे। मुझे अपनी शिक्षा पूर्ण करनी है और वो कार्य भी पूर्ण करना है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। ये लो, संभालो मेरा ध्वज। अवश्य ही हनुमान कुछ कर रहा होगा। हनुमान पुत्र, तुम ये कर सकते हो। अद्भुत है ये। मुझे प्रतीत हो रहा है हनुमान गौ को बचा लेगा। नारायण नारायण। हनुमान, तुम तो संकट हारी। तुम्हें संकट में कौन डाल सकता है। असंभव को भी संभव कर रहे हो तुम हनुमान। हनुमान को कुछ हुआ तो नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना भयानक विस्फोट हुआ है, कुछ भी हो सकता है। वो रहा मेरा पुत्र हनुमान। वरुण देव, अब तो आपको किसी अन्य स्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपको ज्ञात हो ही गया होगा कि हनुमान और गव में श्रेष्ठ कौन है। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। 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 पिताश्री, मेरे पुत्र गाओ, मेरे पुत्र गाओ। पिताश्री, गाओ।
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम देवगणों। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। प्रणाम देवर्षि। कल्याण। ये सब आपके आशीर्वाद और माँ के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है। प्रणाम सूर्यदेव। हनुमान ही आपका शिष्य बनने के योग्य है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। आज ये सिद्ध हो गया है कि हनुमान ही योग्य शिष्य है सूर्यदेव का। उस काल कुंभ के खुलने की ध्वनि के साथ ही वो देखिए अन्य काल कुंभ भी खुलने आरंभ हो गए हैं। शिष्य करता कार्य संपन्न, सूर्यदेव हुए प्रसन्न। काल कुंभ का हो भंजन, गुरु का था यही प्रयोजन। बंधकों को दे दिया त्राण, मुक्त हुए अब उनके प्राण। ज्ञान बल स्वरूप है हनुमत, उनकी लीला है अद्भुत। और आज हनुमान के कारण ही देव पुत्र और ऋषि पुत्र, यक्ष पुत्र, जो भी काल कुंभ में बंदी थे, आज मुक्त हो गए। आप सभी देवताओं को हमारा प्रणाम। इस प्रणाम के अधिकारी महाबली हनुमान है पुत्रों। सुमेरु के युवराज केसरी और अंजना के पुत्र हनुमान ने ही तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया है। हम सबके संकट हरने वाले संकट मोचन हनुमान, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप सबको भी प्रणाम। हनुमान, मुझे गर्व है तुम पर। तुम इस प्रतिस्पर्धा में विजयी रहे। में यूं अंधकार जैसा क्यों कर रखा है पुत्र दशानन ने? दशानन, बड़े प्रसन्न दिख रहे हो पुत्र। प्रसन्नता की तो बात है ना माते। माते, अब सर्वत्र मेरे अनुकूल हो रहा है। मेरे रक्ष योद्धा इस संसार के हर स्थान से हर एक नर बालक का अपहरण करके उस दंडक वन में एकत्र कर रहे हैं, और वो
सूर्य लोक में तुच्छ वानर बालक जो मेरा मार्ग का कंटक बना हुआ है वो भी हटा जा रहा है। काल कुंभ में उसे बंदी बनाया जा रहा है सदा सदा के लिए। मुक्त हो चुका है वो वानर। काल स्तंभ से बाहर निकलने में उसने सफलता हासिल कर ली है। जो पहले से काल कुंभ में बंदी नागपुत्र और देवपुत्र आदि थे उनको भी सफलतापूर्वक बाहर निकाल चुका है। पुत्र तुम्हें अब कुछ विशाल करना होगा। जानता हूं माता, मुझे करना क्या है? पुत्र हनुमान, तुमने स्पर्धा के लिए जिन वरदानी शक्तियों का त्याग किया था अब उन्हें वापस पाने का समय आ गया। अपनी वरदानी शक्तियों का आवाहन करो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा देवराज। मैं केसरी नंदन अंजने हनुमान अपनी वरदानी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उनका आह्वान करता हूँ। हे समस्त वरदानी शक्तियाँ पुनः मुझ में समाहित हो जाएं। प्रसन्न हो लो हनुमान, किंतु तुम्हारी ये प्रसन्नता अधिक समय तक नहीं टिकेगी। तुम्हारे कारण सबके समक्ष मुझे शीश झुकाना पड़ गया। तुम्हारी आगे की शिक्षा निष्कंटक नहीं होने दूंगा मैं। बस भी करो अंजना, क्या करूं, कैसे समझाऊं अंजना को। हे प्रभु, अब आप ही का आसरा है, अंजना के नेत्रों की रक्षा करिए। रानी जी बहुत कष्ट में, नेत्रों की दृष्टि भी जा सकती है इनकी। क्या कर सकते हैं मार्जरिका, बस भगवान से प्रार्थना करो कि हनुमान की कुशलता का समाचार मिल जाए और इसका व्रत पूर्ण हो जाए। पुत्री अंजना, रुक जाओ पुत्री अंजना। तुम्हारा व्रत सफल हो गया है पुत्री, हनुमान पर से संकट टल गया है। अब अपनी तपस्या यहीं रोक दो पुत्री। हनुमान से संकल्प टल गया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अंजना, सुना तुमने, तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, हनुमान कुशलता से है। हे सूर्य थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे ऋषिवर, मेरे पुत्र की कुशलता का समाचार देख आपने मेरे व्यथित हृदय के सारे दुख दूर कर दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना, अंजना क्या हुआ? अंजना स्वामी,
मुझे सब धुंधला दिखाई दे रहा है। साहस रखो अंजना, सब ठीक हो जाएगा। पुत्री, तुम अनिमेश व्रत के कारण निरंतर सूर्य पर दृष्टि टिकाई हुई थी, इसलिए सामान्य प्रकाश में दृष्टि धुंधला गई है। कुछ समय लगेगा उसे वापस आने। सेविका, चल लाओ। जी महाराज, मैं लाती हूँ। अंजना, ये लो अंजना, अपने नेत्र धो लो। हे महादेव, मेरी अंजना के नेत्रों की रक्षा करना। महाराज, कहाँ हैं आप? स्वामी, स्वामी। अंजना, ऋषिवर, देखिए ना क्या हो गया अंजना को। हाँ ऋषिवर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जय लंकेश, पाताल लोक में आपका स्वागत है मामाश्री। पताली का पुत्र वेदम का भी प्रणाम स्वीकार करें मामाश्री। उग्रदन का भी प्रणाम स्वीकार करें मामाश्री। बस उग्रदन, बहुत स्वागत हुआ। बहन पाताल का कहाँ है? अब कोई अवरोध नहीं आएगा तुम्हारी शिक्षा में हनुमान। आज का दिन तो निकल गया, कल से विधिवत तुम्हारी शिक्षा पुनः आरंभ होगी। अवश्य गुरुदेव, मैं समय पर उपस्थित हो जाऊंगा। प्रणाम भैया दशानन। कैसी चल रही है यज्ञ की स्थिति, क्या है? आप चिंता ना करें भैया, यज्ञ भली भांति निर्विघ्न रूप से चल रहा है, और जिस दिन यज्ञ पूर्ण होगा उस दिन आपको यज्ञ के फल के रूप में परम पद की प्राप्ति होगी, और उस दिन रक्त ध्वज को तीनों लोकों में फहराने से आपको कोई नहीं रोक सकेगा। कल्याण हो जाएगा राक्षसों का। उत्तम, अति उत्तम। परंतु तुम्हें एक और कल्याणकारी कार्य करना है बहन।
अवश्य भैया, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। आप आज्ञा दीजिए, क्या कार्य करना है? सूर्य देवा अब तक चुराना है। हाँ, किंतु भैया, सूर्य देव का रथ तो उसके अश्वों के बिना नहीं चुराया जा सकता। यदि ऐसा हो सकता तो मैं यह कार्य कितना पहले कर चुकी होती। मेरा यह यज्ञ तो उन दिव्य अश्वों की बलि से शीघ्र ही पूर्ण हो सकता है एवं अभिष्ट बल भी शीघ्र प्राप्त हो सकता है। तो ये अश्व पहले क्यों नहीं चुराए? ये कार्य पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया दशानंद, वो दिव्य अश्व हैं, उन्हें देवों के मंत्रों के बिना नियंत्रित नहीं किया जा सकता, इसलिए यह कार्य असंभव है। असंभव, असंभव जैसा शब्द रावण को शोभा नहीं देता, और यही एक कार्य है जिससे उस वानर बालक की शिक्षा को बाधित किया जा सकता है। किंतु भैया, देव मंत्र तो देवताओं की धरोहर है। उसका भी प्रबंध हो जाएगा, कुछ भी करके उस वानर बालक की शिक्षा रोकनी है। कठोर संयम के साथ इस व्रत का पालन किया, उसी ने हनुमान को बल प्रदान किया और वो संकट से मुक्त हो पाए। मेरा व्रत सफल रहा, मेरा पुत्र संकट से मुक्त हो गया। किंतु पुत्री, तुम्हारे नेत्र तो चले गए, आप क्यों विलाप कर रही हैं माँ? मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई तो क्या हुआ? माता पिता के नेत्रों की ज्योति तो उनकी संतान ही होती है। मेरा पुत्र जब आएगा ना, तो उसकी दृष्टि से मैं पूर्ण संसार देखूंगी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पूर्ण हो गया माता का व्रत, संकट मुक्त हुए हनुमत। सुखी रहे उनकी संतान, माता करती है बलिदान। खोई नेत्रों की ज्योति, तब भी है सुख अनुभूति। पुत्र जीवन रहे सुरक्षित, रहती माता सदा समर्पित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्री अंजना, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि एक माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ ऐसी ही होती है ऋषिवर, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। माता पिता के नेत्रों की दृष्टि उनकी संतान होती है। आयुष्मान भव पुत्र,
हनुमान, तुम यहाँ एकांत में क्या कर रहे हो? तुम्हारे काल स्तंभ को इस तरह निहारने से प्रातः शीघ्र नहीं हो जाएगी पुत्र? आप उचित ही कह रही हैं गुरु माता। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? तुम इतने उदास दिखाई दे रहे हो, कोई विशेष बात है क्या पुत्र? गुरु माता, ना जाने क्यों मुझे व्याकुलता सी हो रही है। मुझे हर ओर माँ ही माँ दिखाई दे रही हैं। ना जाने आज क्यों माँ की इतनी चिंता हो रही है, किंतु मैं अपनी शिक्षा पूर्ण किए बिना उनके पास नहीं जा सकता। ऋषिवर, अंजना की दृष्टि वापस लाने का कोई तो उपाय होगा, कोई उपचार। महाराज केसरी, अनिमेश जैसे कठोर व्रत से नष्ट हुई दृष्टि को वापस लाने का उपचार कदाचित असंभव है। सेनापति, कहीं तो किसी के पास होगा इसका उपचार। जाइए राज्यभर से, आसपास के पड़ोसी राज्यों से योग वैद्यों को ढूंढ कर लाइए। शीघ्र जाइए। अवश्य महाराज। अब हमें आज्ञा दे ऋषिवर। आप सबका कल्याण। चलो अंजना, चलो। हनुमान, तुम चिंता छोड़कर अपनी शिक्षा पे ध्यान दो। और तुम्हारी माता भी तो यही चाहती है ना कि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके उनके पास लौटो। हाँ गुरु माता, मुझे आशंका हो रही है कि इतने अल्प समय में मेरी शिक्षा पूर्ण हो भी पाएगी या नहीं। हनुमान की आशंका सत्य है देवी संज्ञा। प्रणाम। शिक्षा प्रदान करने के लिए समय बेहद ही अल्प शेष है। मैं भी समय के नियम से बंधा हूं। संध्या काल के पश्चात और प्रातः काल के पूर्व मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, अन्यथा कालकुंभ क्षेत्र से लौटते ही मैं तुम्हारी शिक्षा आरंभ कर देता। कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं शीघ्र से शीघ्र आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है हनुमान कि तुम शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर लोगे, बस अब कोई अन्य बाधा ना आए। उस वानर बालक की शिक्षा को रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय है, अश्व सहित सूर्य देव के रथ की चोरी। सत्य कह रहे हैं लंकेश, सूर्य देव का रथ नहीं होगा तो सूर्योदय नहीं होगा, और प्रातः काल से सायं काल तक शिक्षा प्रदान करने के नियम से बंधे सूर्य देव शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे। और इस कार्य में आपको पातालिका की सहायता करनी होगी। हनुमान की शिक्षा रोकने के लिए मैं किसी की भी सहायता करने के लिए प्रस्तुत हूं। मेरे पुत्र के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए यही एक सर्वोत्तम उपाय है, सूर्यदेव के रथ और घोड़ों के स्थान के बारे में बताऊंगा और वो देव मंत्र भी दूंगा। उन्हें अपने मंत्रों के साथ प्रयोग करके वो सूर्यदेव के अश्वों पर भी नियंत्रण कर लेगी। तो फिर इस शुभ कार्य में विलंब कैसा? आज ही इस कार्य को संपन्न कर दें।
वेदराज, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आप अंजना के नेत्र की ज्योति वापस ला सकेंगे? आप सब तो महान विद्वान वैद्य हैं, क्या अनिमेष व्रत के द्वारा गई हुई नेत्र की ज्योति वापस लाने का कोई उपचार नहीं है आपके पास? क्षमा कीजिए मैम, अनिमेष व्रत के समय सूर्य के महातेज से गई हुई दृष्टि को हम वापस नहीं ला सकते, इसका उपचार असंभव है। हमें आज्ञा दीजिए। स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? मैं यही हूँ प्रिय। स्वामी, मैं यही हूं तुम्हारे पास। स्वामी, मैं जानती हूं कि आप और सब मेरे लिए बहुत दुखी हैं, किंतु दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, मुझे तो सबसे अधिक सुख का आभास हो रहा है। सुख का आभास? मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हो? नेत्रों की ज्योति जाने से सारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा की कल्पना का आभास है मुझे। स्वामी, जब देख सकती थी तो सदा कुछ ना कुछ देखकर मन यहां वहां भटकता रहता था, किंतु अब मैं मात्र आपको और हनुमान को ही देखती हूं। आप दोनों में ही मेरा मन लगा रहता है। सच मानिए स्वामी, मुझे तनिक भी दुख नहीं हो रहा है। ना जाने हनुमान पर क्या बीतेगी जब वो तुम्हें इस अवस्था में देखेगा। को देखने का बहुत मन हो रहा है माँ, कैसी हैं आप? जाओ पुत्र, अपने गुरुदेव के पास जाओ, अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करो, अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर कर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। माँ का स्मरण रख, जब भी मेरा मन तुम्हारे मुख चंद्र को देखने के लिए व्याकुल होगा, मैं आकाश में स्थित इस चंद्र को देख लूंगी। माँ, मेरी शिक्षा पूर्ण होने में बस 4 दिन ही शेष हैं। जब मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा, एक पल भी नहीं रुकूंगा, सीधे आपके पास आऊंगा माँ। मैं पूरे मनोयोग से अपनी शिक्षा पूर्ण करूंगा, बस कोई अन्य बाधा ना आए। इतनी रात्रि को कौन हो सकता है?
दिव्य आशु, अति सुंदर लग रहे हो तुम सब, किंतु मुझे बड़ा दुख है क्योंकि तुम सबकी बलि देनी होगी मुझे। यहां से ले जाऊंगी मैं तुम सबको। तुम सबके नाम गायत्री, प्रियति, उष्णीश, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति। तुम सूर्य देव के सात अश्व, सूर्य देव की सात किरणें, जगत को आलोकित करने वाला प्रकाश। अब तुम सब शक्ति बनोगे लंकेश की। शांत अश्वो शांत। मत उछलो अश्वो, शीघ्र ही तुम मेरे और वरुण देव के बताए हुए मंत्रों में बंधकर मेरे नियंत्रण में होगे। कौन है वहां? कौन है वहां? क्या हुआ पुत्र, तुम अभी तक विश्राम के लिए नहीं गए? मुझे निंद्रा ही नहीं आ रही थी, किंतु आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ अश्वों के देखभाल के लिए आई थी, किंतु तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मुझे इतनी रात्रि को किसी की ध्वनि सुनाई दी थी तो मुझे शंका हुई तो मैं चला आया। मेरे अतिरिक्त अन्य कौन यहाँ आ सकता है? तुम्हारी सजगता ये सिद्ध करती है कि तुम कितने अच्छे शिष्य हो, और यही सजगता तुम्हारे भावी जीवन में काम आएगी। किंतु अब जाकर तुम विश्राम करो, तभी प्रातः काल में तुम शिक्षा के लिए पूर्ण ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ प्रस्तुत हो पाओगे। उचित है गुरु माता, प्रणाम। मनस्तकेतनये मान आयुषी मान गोषु मान अश्वशु रीरिषा मान विविरान रुद्र भामिनो व्याधीर विष्मन्तः सद्मित्वा हवामहे ओम अस्त्राय फटु। अब वरुण देव का दिया गया मंत्र और इसके बाद ये सभी अश्व मेरे वश में होंगे। गुरु माता
के होते हुए भी समस्त अश्व इतने व्याकुल और अशांत क्यों है? देखता हूँ पुनः, किसी ने गुरु माता का छद्म भेष बनाकर छल से गुरुदेव का रथ चुरा लिया है। कौन हो सकता है ये, मुझे पता लगाना ही होगा। देवेश्वर, हनुमान की शिक्षा में पुनः बाधा डालने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार तो हनुमान की शिक्षा कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। देवेश्वरी, पुष्प कंटकों के मध्य रहकर भी जब खिलता है तो अपनी सुगंध से संसार को आनंदित करता है। जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने वाला ही त्रिदृढ़ बनता है। हर छोटी बड़ी बाधाएं मनुष्य को कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। हनुमान को भी इन बाधाओं का सामना करते हुए कोई नवीन सीख अवश्य प्राप्त होगी। सबको स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन हो सकती है वो, गई कहाँ है रथ लेकर? रथ तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे शीघ्र ही गुरुदेव को इसकी सूचना देनी होगी। अति उत्तम बहना, अति उत्तम। एक वार से दो आ, तीन प्रहार। पहला प्रहार उस वानर बालक की शिक्षा रुकेगी। दूसरा प्रहार तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा। और तीसरा प्रहार और तीसरा प्रहार आप बड़े उतावले हो रहे हैं वरुण देव, समय आने पर आपको तो ज्ञात हो ही जाएगा। देखा मेरी बहन पातालिका की विशेषता। हाँ लंकेश, असंभव को भी संभव कर दिया इन्होंने तो। अब सूर्यदेव के नाम निकलने से जगत अंधकार में हो जाएगा, हाहाकार मचेगा, उथल पुथल होगी। अब
ये सूर्य रथ यहीं रहेगा। वरुण लोक में रहेगा। वरुण लोक में, अर्थात यहां? क्यों, क्या आप इस रथ का उत्तरदायित्व नहीं ले सकते? कोई और शक्तिशाली वरुण देव के मस्तक पर सवार राहु अपना कार्य भली भांति कर रहा है। अवश्य लंकेश, मैं इस दिव्य रथ की रक्षा के लिए एक अभेद व्यूह की रचना करूंगा, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। किंतु भैया, पातालिका, तुम अशोक को लेकर पाताल लोक पहुंचो। जैसी लंकेश की आज्ञा। बहन पातालिका, आप इस रथ को एक ओर खड़ा कर दीजिए, जिससे कि मैं इसकी सुरक्षा के लिए एक व्यूह की रचना कर सकूं। या, ये आप क्या कर रहे हैं? है तो ये देवता ही। रथ इसके पास छोड़ने पर ये सूर्य देव को रथ लौटा भी तो सकता है। हमें इसे अश्वों सहित पाताल लोक ले चलना चाहिए। यही तो हम चाहते हैं। कि सूर्य देव को ज्ञात हो जाए कि रथ वरुण लोक में ही है। क्या, तो फिर इस सबका क्या लाभ? बहना, अश्व तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। अभेद मायावी मंत्रों के कवच में सुरक्षित। किंतु रथ तो मिल जाएगा उन्हें। रथ तो सूर्य देव अवश्य यहां ढूंढते हुए आएंगे, किंतु राहु से ग्रसित वरुण देव उन्हें रथ लौटाएंगे नहीं। तब लगेगा वरुण देव पर चोरी का आरोप, बनेगा एक देवता दूसरे देवता का शत्रु, और तब होगा रावण का तीसरा प्रहार। वाह वरुण देव, वाह, आपके सुरक्षा व्यूह ने तो प्रसन्न कर दिया हमें। लंकेश, इस रथ को मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं ले जा सकेगा। यदि कोई प्रयास भी करता है तो उसे मेरी संपूर्ण वरुण शक्ति से टकराना होगा। उचित है वरुण देव, और अब ये अश्व मेरे मायावी सुरक्षा कवच में बंदी रहेंगे। किसी को ज्ञात नहीं हो पाएगा कि अश्व कहां है।
चलो बहना, तुम्हें भी अपना यज्ञ पूर्ण करना है। आज्ञा वरुण देव। प्रणाम। वानर बालक, अब तक तो केवल तूने रावण के बल का सामना किया है, रावण के छल बल को तूने देखा कहाँ है? असंभव है ये। मेरा रथ चुराने का दुस्साहस किसने किया है? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैंने देखा है उन्हें, वो गुरु माता के भेष में कोई राक्षस स्त्री थी। मेरे रोकने से पूर्व वहां से विलुप्त हो गई वो। मैंने उन्हें ढूंढा भी किंतु उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो सका। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है वत्स। छद्म वेश से तो देवता भी चले गए हैं। गुरु माता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति भाव का लाभ उठाया है उस राक्षसी ने। किंतु अब तो संकट यह है कि यदि मैं अपने रथ पे नित्य भ्रमण पे नहीं निकला तो प्रार्थना नहीं होगी, संसार का संचालन अवरुद्ध हो जाएगा, सृष्टि संतप्त हो उठेगी। हनुमान, तुम्हारी शिक्षा भी पुनः आरंभ नहीं हो पाएगी। किंतु गुरुदेव, किसी अन्य नहीं हनुमान, वो दिव्य रथ और वो दिव्य आश ही मेरी रश्मियां हैं, जिनसे पूरी सृष्टि को प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। रथ को चुराने वाले ने बहुत ही गंभीर अपराध किया है। गुरुदेव, मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस राक्षसनी ने आपका रथ चुराया है। वो कहीं भी गई हो, मैं उसे अवश्य ढूंढ के लाऊंगा आपके पास। आज्ञा दें। नहीं हनुमान, रथ की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा नहीं, तुम तो यहाँ एक शिष्य के रूप में हो। हाँ हनुमान, तुम्हारे गुरुदेव सत्य कह रहे हैं, ये कार्य तुम्हारा नहीं है। अब मुझे शीघ्र ही इंद्रदेव के पास जाना होगा, केवल वो ही इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ देवी संज्ञा, आप इन बालकों का ध्यान रखना। अवश्य स्वामी। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। संसार पर तो महाविपत्ति आ गई है, गुरुदेव ने मुझे कुछ भी करने से मना कर दिया है, क्या करूं मैं? ओम मनस्तुकेतनये मानायुषि मानकोशु मानोशुषु रीरिषा मान विविरान रुद्र भामिनो व्याधीर विष्मन्तः सद्मित वाहवामहे ओम अस्त्राय फटु।
भैया दशानन, मायावी मंत्रों में बद ये अश्व अब बलि के लिए ही निकाले जाएंगे। अति उत्तम बहन, अब सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है। सूर्य उदय न होने के कारण जगत में अंधकार हो जाएगा, आसुरी शक्तियां भी बलवती हो उठेंगी। हाँ भैया, यही समय हमारे अवैधिक यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। फिर विलंब क्यों, शीघ्र ही यज्ञ पूर्ण करो पातालिका, और मुझे परम पद प्रदान कराओ, इससे मेरी मृत्यु सदा सदा के लिए बाधित हो जाए। सृजन और संहार की शक्तियां प्राप्त कराओ, शीघ्र बलि दो अश्वों की। भैया दशानन, ये साधारण अश्व नहीं, दिव्य अश्व है जो सूर्य देव की सप्त रश्मियां हैं, जिनकी प्रकाश से सारी सृष्टि आलोकित हो जाती है। इनकी बलि के लिए श्रेष्ठतम मुहूर्त ज्ञात कराइए, उचित मुहूर्त में दी गई बलि उत्तम फल प्रदान करती है। उचित मुहूर्त, आप तंत्र योगिनी का आवाहन करके उनसे मुहूर्त का शोधन कराइए, तभी देवी निकुंभला को अश्वों का अर्पण करना उचित होगा। महा मायावी योगिनी प्रकट हो। जय लंकेश, जय लंकेश। प्रणाम पातालिका। क्या आज्ञा है मेरे लिए? महामायावी योगिनी, अपने तंत्र शक्ति से शोध करके बताओ कि हमारे इस अवैधिक यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कब है? जो आज्ञा लंकी। लंकेश, इस यज्ञ में बलि देने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त 5 प्रहर के पश्चात केवल 7 क्षण के लिए है, परंतु ज्ञात रहे यदि उस समय बलि नहीं दे पाए तो ये यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होगा। उचित है, हम 5 प्रहर के पश्चात ही बलि चढ़ाएंगे। प्रणाम लंकेश। प्रणाम पातालिका। प्रदंत, उग्रदंत, आसुरी शक्तियों के अत्याचार तो जगत में आरंभ हो ही चुके होंगे, परंतु तुम दोनों को एक और आवश्यक कार्य करना है। गुरुदेव अभी तक नहीं आए, कदाचित उन्हें रथ नहीं मिल पाया हो। हनुमान किस सोच में है? ये क्या, ये विचित्र मेघ, ये क्या है?
प्रणाम गुरु माता, ये मेघ। वो तो मैं भी देख रही हूँ पुत्र, पहले कभी नहीं देखे मैंने ऐसे मेघ। ये मेघ लगता है पिताश्री ने हमारी सहायता हेतु भेजे हैं। नहीं नहीं, मैत्री भाव की गति तो कुछ और ही होती है। ये तुम्हारे पिता के द्वारा भेजे हुए मेघ नहीं है। हनुमान, जयंत पीछे आओ, ये राक्षस हैं। देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुरों का आक्रमण होने वाला है यहाँ। सावधान, सावधान हो जाओ सूर्यलोक के रक्षकों।